बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं काइट एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1705 से 1790 का है और ये वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका में शुमार किया जाता है। ये एक इन्वेंटर होने के साथ साथ पॉलिटिशियन, फिलोसोफर, साइंटिस्ट और बहुत सारे शोबों से ताल्लुक़ रखता है। इसका जो मशहूर एक्सपेरिमेंट है, वैसे तो इसने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की हैं और बहुत सारी डिस्कवर भी की हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवर करने में इसका नाम आता है, जो कि इसने काइट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए किया था 1752 में। अगर आप $100 का नोट उठाएं तो उस पर भी इसी की तस्वीर आपको नज़र आती है, फ्रैंकलिन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि ये अमेरिका का एक फाउंडिंग फादर शुमार किया जाता है, तो $100 पर इसकी तस्वीर आपको नज़र आएगी। बाकी डिटेल आपको इसकी विकीपीडिया वगैरह पर भी बासानी मिल जाएगी। अब हम एक तस्वीर के ज़रिए से आपको इसके एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसने एक पतंग बनाई थी रेशम के कपड़े से, लकड़ियों की मदद से और रेशम के कपड़े से, और उस पर एक मेटल का पीस जो है वो साथ जोड़ दिया था। और चूंकि अमेरिका में जिस एरिया में ये रहता था वहाँ पर तूफ़ानी बारिशें बहुत होती थी, तो जो बिजली चमकती थी उससे होने वाले नुकसान को जाँचने के लिए इसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि ये आसमानी बिजली होती क्या है। क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो साइंटिस्ट के या इंजीनियर्स के कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर नहीं थे और इलेक्ट्रिसिटी सही से डिस्कवर नहीं हुई थी। तो इसने ये पतंग जो है वो बारिश के सीज़न में जब बिजलियां चमक रही थी तो उड़ाना शुरू करी। और इसके साथ इसका जो बेटा था विलियम फ्रैंकलिन उसका नाम है, इसने उसको एक शेड के नीचे खड़ा कर दिया था सेफ्टी के लिए, और ये खुद उसकी हेल्प कर रहा था। तो जब बिजलियाँ चमकना शुरू हुई बारिश के दौरान, तो ये इसकी जो डोर थी पतंग की वो पूरी गीली हो गई, और यहाँ पर जो मेटल का पीस था, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि हमने आपको बताया था कि ग्राउंड से मुंसलिक चीज़ों पर डायरेक्टली आती है, तो इस मेटल के पीस पर आकर और इस गीली डोर के ज़रिए करंट जो है वो यहाँ तक फ्लो हो रहा था। और यहाँ पर इसने एक चाबी लटकाई हुई थी मेटल की, तो जब ये चाबी को किसी चीज़ के ज़रिए टच करता था तो यहाँ पर स्पार्क होता था। तो ये इसका एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है, काइट एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको पहचाना जाता है। तो काइट एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने ये चीज़ साबित की थी कि जो आसमानी बिजली है ये चार्जेस के डिस्चार्ज होने का नाम है। जैसा कि हमने बताया था कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव की कमी और ज़्यादती हो जाए दो अजसाम के अंदर, तो जब भी उनको मौका मिलेगा वो बराबर होने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होंगे तो वही जो है इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो बस इसने इसको साबित करने के लिए इस चीज़ को ये एक्सपेरिमेंट किया था, और इसके बाद ही जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर्स वगैरह बनाए गए थे, जो कि आसमानी बिजली से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।